भाई मैं निकल रहा था राजस्थान की रोड से और यहाँ पर मैंने देखा ये काले पत्थरों को, लाल पत्थरों को और सफेद पत्थरों को लोगों को पागल बना के बेचा जा रहा है भाई। नहीं पत्थर नहीं है सर, देखने में पत्थर लग रहा है। तो क्या है ये? ये नमक है सर। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये नमक है? ये देखना भाई नमक, ये आपको कहाँ से नमक लग रहा है? ये पत्थर देखने में लग रहा है। ये देखना ये भाई, ये नमक है, ये नमक है। ये सर पत्थर दूर से लग रहा है, ये नमक है। तो दूर से पत्थर लग रहा है, नमक है? हाँ सर। अरे यार क्यों पागल बना रहे हो? पीसने के बाद पाउडर बन जाता, नमक पीसने के बाद पाउडर बन जाता। कैसा? ये देखो ये तो काला नमक है। हाँ ये काला आ गया। अच्छा कौन सा नमक है? ये सेंधा नमक है सर। ये सेंधा नमक है? हाँ सर। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं काले वाले और ये जो तुम्हारे ट्रॉली में भरे हुए हैं इनको पीसने के बाद ये नमक बन जाएगा? हाँ सर। पीसे बना के दिखाना जरा थोड़ा एक आध पत्थर का। ये देखो भाई ये कौन सा है? ये काला नमक आ गया सर। ये काला नमक है? हाँ ये सर। ये देखो भाई से पीसा जा रहा है, ये आ गया इधर। अच्छा ये पीस दिया? हाँ सर। ये देखो और ये देखो। अच्छा ये सेंधा नमक है? हाँ सर सेंधा नमक। नहीं भाई हो तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, सफ़ेद सा हो गया ये और ये भी एकदम वैसे ही रंग होता जा रहा है इसका। हाँ सर। तो इनमें क्या क्या फर्क है नाम बताओ पहले तो एक एक करके। ये सेंधा आ गया सर। अच्छा ये सेंधा नमक है। ये नजरबट्टू आ गया घर में 100 पीस के लिए। ये नजरबट्टू है? हाँ इसका क्या फायदा होता है नजरबट्टू? ये घर में गुरुजी नजर नुजर लग जाती है घर में रखने के लिए 100 पीस के लिए। ये व्रत में घर में सब्जी रोटी में गायों भैंसों के लिए काम लिया जाता है। अच्छा तो कहाँ से आता है नमक? ये लाहौर से आता है। लाहौर से आ रहा है ये नमक? हाँ सर। अरे भाई क्या बात, ये लोकल का अपने जयपुर का। और ये कहाँ से आता है? ये जयपुर का फेमस है सर। जयपुर का? हाँ। तो भाई ये कैसे बनते हैं? ये सर खाटू श्याम में भीड़ नहीं है। अच्छा। जब क्वांटल क्वांटल दो दो क्वांटल निकल जाता हमारा। क्या रेट है इसके सर? 50 रुपए है। 50 रुपए किलो? हाँ सर। अच्छा वो 40 रुपए आ गया सेंधा। 40 रुपए किलो? हाँ। ये नजरबट्टू आ गया। अच्छा ये कितने रुपए किलो है? ये 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो है? हाँ सर। इनमें ऐसा क्या फर्क है भाई, 100 रुपए किलो क्यों है? ये गुरुजी बाड़ के साथ पड़ता है। अच्छा पर गाड़ी का भाड़ा लग जाता है उसके लिए काम लिया जाता है। अच्छा और ये वाला नमक मैंने सुना ये पहाड़ों पर से टूट के आया? हाँ सर पहाड़ों से। मतलब इस नमक के बड़े बड़े चट्टाने बनी हुई होती है? बड़ी बड़ी खानों है सर। जो मटकी में बनता वाला नमक नहीं है काला? मटकी वाला नहीं रखते सर, ये सिल्ली वाला है। हाँ। तो ये ओरिजिनल नमक है? हाँ, इसके ऊपर पानी डालोगे तो काला कलर ही आएगा, उसके ऊपर मटके वाले भी डालोगे तो कलर लीला आएगा। अच्छा तो मतलब ये तुम दावा करते हो ओरिजिनल है? हाँ, बादाम के छिलके, आंवले के छिलके, कसकस वो चीज डलती है, अनार के छिलके। ये देखो भाई आप यहाँ से कलर देख सकते हो, भाई ने बोला छिलके विलके डलते हैं, ऊपर से थोड़ा रेड हो रहा है अंदर से काला हो रहा है, देखने में पूरा भाई बिल्कुल पत्थर लग रहे हैं आपको, पर भाई ये नमक बोला जा रहा है इनको। तो भाई अगर किसी को लेना हो या अगर बाहर मंगाना हो तो फिर कैसे भेज सकते हैं? देखिए सर कैसे थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा गुरु जी, 50 क्विंटल 100 क्विंटल तक आप फोन करोगे जब हाजिर हो। अच्छा तो नंबर नंबर बता दो अपना सर। वो बोर्ड पर रहा। ये देखो भाई बोर्ड पे इनका नंबर लिखा हुआ है, सेंधा काला नमक के नाम से दुकान है इनकी, खाटू श्याम जी से आओगे तो यहाँ सामने रुकमणी ज्वेलर्स है, इधर श्याम रसोई है, इधर की साइड सामने एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, वहाँ से अगर इधर की साइड आओगे ना तो यहाँ पर भाई आपको दिख जाएंगे। इधर मैंने ले लिया सेंधा नमक, इधर मैंने ले लिया काला नमक। तो सही में नमक है यार? नमक है सर, दूर से दिख रहा है भाई पत्थर जैसे। और ये भाई काला नमक? भाई बिल्कुल ओरिजिनल नमक है, जैसे हम घर में खाते ना उससे भी ज़्यादा नमकीन है ये।